जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर को लेके अभी काफ़ी, जैसे सीआरपीएफ के ज्वाइनिंग लेटर कई स्टेट के आ गए हैं, लेकिन कुछ स्टेट के अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए सीआरपीएफ के, और अदर बलों के अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोग काफ़ी मतलब एक्साइटेड हो रखे हैं कि कौन कौन से स्टेट के कब कब आएंगे। और अब आपका इंतजार खत्म हो गया ज्वाइनिंग लेटर का, क्योंकि आपको पता है सीआरपीएफ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का तो इंतजार खत्म हो गया है। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उनको बोलूँ आ जाया जाएगा, और अगले दिन या उससे अगले दिन वो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमारा आ गया है। ठीक है, तो मैं पहले भी बोला था, जैसे कईयों की 15 तारीख, कईयों की 19 तारीख, कईयों की 17 मार्च ज्वाइनिंग आ रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके ज्वाइनिंग लेटर का जो समय है वो सभी डिफेंस, चाहे जितने भी सीएपीएफ में जितने भी बल हैं, उन सभी के ज्वाइनिंग लेटर मैंने पहले ही बोला था प्रिपेयर हो गए हैं। अब अलग अलग बल अपने अपने काम से, अपने टाइम से ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर रहा है, अपने हिसाब से ज्वाइनिंग लेटर है, तो आपको अब ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर आपके कमिंग सून हो गए हैं। कमिंग सून का मतलब है जैसे सीआईएसएफ ने एक नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में आपने देखा होगा उसने लिखा कि कई लोग फेक नोटिस बना के भेज रहे हैं सीआईएसएफ का, लेकिन आपको उस पर बिलीव नहीं करना। आपको इस बात पे रहना है कि आपको उसकी वास्तविकता चेक करनी है, क्या ये सीआईएसएफ से आया है, क्या इसकी में वास्तविकता है या नहीं है, क्योंकि कई फेक नोट, एक बीएसएफ का भी फेक चल रहा है ज्वाइनिंग लेटर, वो ज्वाइनिंग लेटर है ही नहीं पहली बात। वो मेरे को बार बार मैसेज करके भेज रहे हैं कि सर बीएसएफ के भी शुरू हो गए क्या, सीआईएसएफ के भी शुरू हो गए क्या, क्योंकि वो भेज रहे हैं मेरे को, जो बीएसएफ वाला भेज रहे हैं वो तो बिल्कुल फेक है, वो ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं है पहली बात। हो वो कोई पुरानी सी डाक है उसका, है वो फालतू का आपके लाइक नहीं है वो, ना आपका ज्वाइनिंग लेटर है। लेकिन हाँ, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ, चाहे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के तो लगभग लगभग सभी के ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए, और अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक एक वीक का टाइम है अभी, इस वीक में आपके लगभग लगभग सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। लेकिन जो बीएसएफ या सीआरपीएफ जिनके आईटीबीपी है, एसएसबी है, इन सभी के जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही उत्सुकता हो रही है कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, हमारे ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे। तो वो मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके ज्वाइनिंग लेटर सीआईएसएफ ने भी अपडेट किया था, तो वो अपडेट किया है, इसका मतलब है कि वो बहुत जल्द, कमिंग सून का मतलब है 100%, यानी सीआईएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर आपको इसी माह के एंड में देखने को मिल जाएंगे, यानी 27-28 फरवरी के आसपास आपके ज्वाइनिंग लेटर सीआईएसएफ के आ जाएंगे या एसएसबी के, यानी इनमें से अब जितने भी फोर्स बचे हैं उन सभी के आपकी मार्च 15 से, मैंने बोला था मार्च 15 से या मार्च 20 के बीच में सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर इनका लेट आता तो मतलब मार्च एंड तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बाकी सबकी, तो ज्वाइनिंग का आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया, इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। बहुत सारे लोग मेरे को बार बार बोलते हैं जिनकी अलग अलग है, बोल रहे हैं असम राइफल का कब आएगा सर, उसका कब आएगा, एसएसबी का कब आएगा। अब सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब ज्वाइनिंग दूर नहीं है दोस्तों, लेकिन आप तैयार रहे, ध्यान रखें इस बात का कि कहीं चोट चाट ना खा लें, और कहीं वो मेडिकल में जो प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है ज़्यादा चिंता ना करें, जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ में ज्वाइनिंग करना, वहाँ पर आपको ऐसे बाहर नहीं भेज देंगे, सीधा आउट नहीं कर देंगे, आपका कुछ समाधान होगा, तो इसलिए ज़्यादा चिंतित ना हो। मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की वजह से, कई बार टाइम नहीं मिल पा रहा मेरे को, बहुत कम टाइम मिल पा रहा है, लेकिन मैं आपको सीधा यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा चिंतित ना हो, ठीक है, आपका सबका अच्छा होगा, डोंट वेरी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आपके साथ कुछ बीमारी हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई उसके साथ आप ज्वाइनिंग करना, आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं झूठा दिलासा आज तक नहीं दिया मैंने, अभी कभी भी आज भी नहीं दे रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बीमारी के साथ जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसके साथ ज्वाइनिंग करने देना, वहाँ उसका समाधान निकलेगा, आपको बाहर नहीं करेंगे, आपकी इतनी मेहनत है आपको बाहर नहीं करेंगे, ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आपको बाहर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको वापस टाइम दिया जाएगा, इतने दिनों में आप तैयार करके वापस ज्वाइनिंग कर लो, इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत।